weavers weaving at break of day. Why do you weave a garment so gay? Blue as the wing of a falcon wild, we have the robes of a newborn child. Weavers weaving at fall of night, why do you weave in the moonlight chill? White as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral shroud. ये कुछ lines हैं जिन्हें Indian poet Saruni Naidu ने लिखा है. Words का सीधा मतलब है कि जब सुबह होती है तब नए पैदा हुए बच्चों के लिए कपड़े बुने जाते हैं, यानी कि उनके लिए अभी पूरा दिन बाकी है या पूरी ज़िंदगी बाकी है. बट जब रात होती है एट द फॉल ऑफ नाइट, तब उनके लिए कपड़े बुने जाते हैं जिनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है या ख़त्म होने वाली होती है. कहावत है कि कफन अक्सर रात में बुने जाते हैं, पर अगर कोई आर्टिस्ट आपको ऐसा मिले जो बुनने की उस कला को सपनों के ज़रिए पेंटिंग में बदल दे, तब क्या होगा? ड्रीम्स, एक सपना क्या होता है? वो इमेजेस जिनका कोई मतलब नहीं है, बस हमारे अनकॉन्शियस माइंड की उपज हैं, या फिर सपनों में हमारी सोच को दिशा देने की एक अहम ताकत होती है. दिमाग के गहरे हिस्सों में सपनों की ज़मीन सबसे ज़्यादा रहस्यमयी होती है. पर आखिर दिमाग इमेजेस बनाता तो बाहरी दुनिया से इंस्पिरेशन लेकर ही है. अगर इंस्पिरेशन नहीं तो सपने नहीं. और इवान ने जिन सपनों को पेंट किया वो यूक्रेन के हिस्सों की ज़मीन को दिखाता है. सपने आते हैं, अजीब तरह के सपने. कभी कभी वो डरावने होते हैं, पर कभी कभी वो नॉर्मल होते हैं. हम बात करेंगे आज एक यूक्रेनियन आर्टिस्ट की जिसने ड्रीम सीक्वेंसेस को कैनवस पर उतारा. हाय, आई एम आकाश राजपूत एंड दिस इज ऑल अबाउट स्टोरी. And we are going to examine the Ukrainian dream works of artist Ivan. धागा धागा साथ पिरोकर एक स्वेटर बनता है. कभी सोचा नहीं कि इस तरीके से पेंटिंग भी बन सकती है. इवान यूक्रेन की एक ऐसी फैमिली से आते हैं जहां बुनाई का काम होता था. एक मरती हुई परंपरा को जिंदा रखने का क्या तरीका हो सकता है? माइनॉरिटी क्राइसिस था, चीज़ें बिगड़ रही थीं और यूक्रेन का पॉलिटिकल सिनेरियो भी चेंज हो रहा था. इन 1986 इवान ने एक पेंटिंग बनाई जिसका टाइटल था द वार्निंग. बट वार्निंग फॉर वॉट? 1986 में रूस कई हिस्सों में बटा नहीं था, तो लड़ाई दूसरे किस्म की थी. फिर 1991 में जो हुआ उसका नतीजा है 24 फरवरी 2022, रशिया ने खुलकर यूक्रेन पर हमला कर दिया. Это первые строчки основного закона России, конституции, грозы пойдут во славу России. Так было тогда. Киев का एरिया तबाह हो गया और जंग अभी रुकी नहीं है. Так сегодня и так будет всегда. Спасибо. एक कमाल की बात यह है कि सारे डेवलप्ड नेशंस दुनिया में शांति लाना चाहते हैं और उन्हीं सब के पास हजारों की संख्या में न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं. फैंटास्टिकली आयरोनिकल. There's simply no justification or provocation. Russia's choice of war. MAD, Mutual Assured Destruction, एक पॉलिसी जिसे 1962 में शुरू किया गया था दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए. मुझे नहीं लगता इस पॉलिसी का पुतिन पर कोई खास असर हुआ है. द पेंटिंग वार्निंग इंस्पायर है जो बर्ताव KGB क्रिश्चियंस के साथ उस वक्त हो रहा था. बट करेंटली अब बात कुछ व्यूअर्स की या एक किसी कम्युनिटी की नहीं है, पूरा यूक्रेन ही जल रहा है. कोल्ड ब्लू कलर, टुकड़ों का ढेर. आखिरी सवाल यह है कि व्हेन दिस विल एंड? अ नेवर एंडिंग ड्रीम इज लाइक एक आर्टिस्ट हमेशा के लिए हेलुसिनेशंस वाले कोमा स्टेज में चला गया है और फिर वो वहाँ से कभी वापस नहीं लौटा. हर आर्टिस्ट की अपनी एक क्वालिटी होती है. इवान की क्वालिटी है ड्रीम्स विद टेक्सचर. लुक एट दिस पेंटिंग, द गिटारिस्ट. ये क्लियर है कि ये पिकासो की पेंटिंग द ओल्ड गिटारिस्ट का एक रीमेक है. बट पिकासो का गिटारिस्ट बहुत सिंपल है, स्ट्रोक्स में बना है, नियरली नो टेक्सचर. बट हियर द टेक्सचर इज मार्वलस. एक हाथ के बने हुए स्वेटर में और मशीन से बने हुए स्वेटर में शायद समय और भावनाओं का फ़र्क है. हाथ से बना हुआ स्वेटर एक ही होगा और सिर्फ आपके लिए होगा, पर मशीन वाला उसमें किसी ज़िंदा इंसान का वक्त नहीं गया है, वो आपके लिए नहीं बना था.
वो तो बस किसी के लिए बना था। काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं जो मैनुअल काम ही करते हैं, विंटेज फोटोग्राफर्स हैं आज भी जो एनालॉग फोटोग्राफी पसंद करते हैं, कुछ है जो डिजिटल मीडियम अभी भी रेप्लिकेट करने में उतना कामयाब नहीं है। टेक्सचर, द सेंस ऑफ टच, जैसे आपने कोई एक ब्यूटी फिल्टर अप्लाई किया और सारे टोनल वेरिएशन उसका चला गया और वो चीज़ लाइफलेस हो गई। कभी कभी ज़िंदा चीज़ों से टेक्सचर निकाल देने पर वो चीज़ें प्लास्टिक ही हो जाती हैं या बेजान हो जाती हैं। बट इफ़ यू कैन फील द टेक्सचर विद योर आइस, इसका मतलब है कि आर्टिस्ट कामयाब रहा आप तक वो फीलिंग पहुंचाने में। उसने सेंस ऑफ टच को सेंस ऑफ विजन में बदल दिया। दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रांजिशन ऑफ अ सेंस। इवान ने बिना टेक्सचर के एक भी पेंटिंग नहीं बनाई है, पर जितना ज़्यादा टेक्सचर होगा इमेज उतनी ही ज़्यादा विजुअली हैवी होती जाती है। उस विजुअल हैवीनेस को कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो इवान इसको हैंडल कैसे करते हैं? इसका जवाब है द लिमिटेड यूज़ ऑफ कलर विद लैंडस्केप इमेजरी। एनालॉगस कलर पैलेट इज फेवरेट ऑफ इवान। कलर्स कम होंगे तो टेक्सचर को अपना वर्चस्व दिखाने का मौका मिलता है, और इवान की पेंटिंग के सारे सब्जेक्ट्स खुले आसमान में ज़मीन पर मिलेंगे। एवरीथिंग इज़ होल्ड ऑन ग्राउंड बट द ग्राउंड इज़ डैमेज नाउ। सब्जेक्ट्स आर ब्रोकन, शैटर्ड इन पीसेस, डेथ एंड केओस। इवान अब की वापस नहीं जा सकते। एवरी सिंगल ड्रीम इज़ गॉन। घर के टूटे हुए हिस्से हैं, सड़कों पर मलबा है, और पता नहीं ये कब तक चलेगा। फ्रॉम द पिक्चर ऑफ टुडे द पास्ट लुक्स ब्यूटिफुल। दो देशों की लड़ाई में आर्टिस्ट क्या करें, उनका क्या रोल है? ये बिल्कुल भी सही वक्त नहीं है वॉर का। सभी ने पिछले साल ही पेंडेमिक झेला है, कंडीशन ख़राब है और ख़राब ही होगी, बट द प्रॉब्लम इज़ आर्टिस्ट की सुनता कौन है। हम सोसाइटी में पैरासाइट्स हैं, हम समाज में होने वाली घटनाओं को ढूंढते हैं, उन पर कुछ बनाते हैं, कुछ लिखते हैं, पर हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उतनी पावर नहीं है। यस, आर्ट हैज़ द पावर ऑफ एक्सप्रेशन, बट इट्स नॉट लाइक अ पॉलिटिकल पावर। सत्ता में जो बैठे हैं परिवर्तन तो वो ला सकते हैं। हम किसी भूखे बच्चे का फ़ोटो बना सकते हैं, ऑफकोर्स हम उसे जनरेट कर सकते हैं, पर शायद हम उसका पेट ना भर सकें। तो आर्टिस्ट की ज़रूरत है या नहीं? समय का जो डाकिया होता है वो आर्टिस्ट होता है। वो आज की चिट्ठी आने वाले कल में लेकर जाता है। उसका विजन अनक्लाउडेड होना चाहिए, बिना किसी हेट के। ये देखना बहुत ही रोमांचक होता है कि एक आर्टिस्ट की फिलॉसफी उसके काम को क्या स्वरूप देती है। इवान पेंटर है तो बुनने का काम पेंट के ज़रिए करता है। बुनकरों की उस परंपरा को एक नया डायमेंशन मिल गया। इवान एंड पुतिन बोथ आर द वीवर्स ऑफ फॉल ऑफ नाइट। फ़र्क इतना है कि एक क्रिएटर है और एक डिस्ट्रॉयर है। आइडियाज़ एंड टेक्निक्स कलाकारों के दिमाग की भट्टियों में तपते हैं और वहीं से निकलकर निखार लेते हैं। इन द एज ऑफ मशीन्स, डिस्ट्रक्शन एंड डिक्टेटरशिप, या तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी पारंपरिक शैली खत्म हो रही है, या फिर सब कुछ एक्सेप्ट करके उसे एक नया रूप दिया जा सकता है। फैसला आप पर है कि आप क्या चूज़ करते हैं।